नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड ये डे टू है मेरे ऋषिकेश ब्लॉग का। ठीक है, मैं दिल्ली से ऋषिकेश वापस जा रहा हूँ। सेकंड डे जा रहा हूँ, मैंने एक डे के ट्रिप वन डे ट्रिप ही सोचा ही भी था, प्लान किया था। तो अभी मैं ऋषिकेश से निकला हूँ हरिद्वार होते हुए, मतलब मनसा देवी टेम्पल होते हुए हरिद्वार जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, ये एक्चुअली गंगा नदी है। ठीक है, अभी इसमें पानी नहीं है, ये इसलिए हमारे लिए खुला है कि ताकि हम इधर से जा सके। ये डैम है, ठीक है, प्रॉपरली बना हुआ। तो आप देख सकते हो लोग मस्त यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो वहाँ देखो प्रॉपरली लोग इंजॉय कर रहे हैं नीचे की तरफ जा जाके। तो बहुत मस्त लोकेशन है ये। ठीक है, ये छोटा सा आप ये बोल सकते हो छोटा सा ऑफ रोडिंग का अपना ये थोड़ा सा हो गया। यहाँ देख सकते हो कार्स आ रही हैं इधर से, लोग एकदम मस्त मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। ये देखो, ठीक है, वहाँ रोड बना हुआ है एक्चुअली। अगर मैं दिखाऊं तो जिससे गाड़ी जा रही है वो रोड बना हुआ है, बट उसके ऊपर अभी पानी आ गया है। तो ठीक है, धीरे धीरे पानी ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो वो देखो मस्त नज़ारा है यहाँ का। ठीक है, ये फॉरेस्ट रेंजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मतलब गार्ड करने के लिए, जस्ट और कुछ नहीं। यहाँ दूर दूर तो एकदम सूखा पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लुक है यहाँ का। ठीक है, मतलब मस्त लग रहा है भाई। वहां देख सकते हो आप की क्लाउड जो आपको दिख रहा है, कितना जबरदस्त दिख रहा है भाई। ठीक है, मस्त लग रहा है वो। बहुत अच्छा लोकेशन है, मतलब टाइम पास करने के लिए। वैसे तो लाइक आप कितना दूर रुके, आपको कहीं और जाना है तो थोड़ा सा क्लियर टाइम पास करने के लिए अच्छा लोकेशन है ये। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे बहुत मस्त लोकेशन था भाई, मतलब जबरदस्त अच्छा खासा टाइम पास करने के लिए इन्होंने प्रॉपर एक ड्रैम बना रखा है। रोड है मनसा देवी जाने के लिए, लाइक यहाँ से अगर आप ऋषिकेश से मनसा देवी जाते हो तो आप इधर से जा सकते हो। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट हरिद्वार के पास निकलेगा, फिर हरिद्वार से आप दिल्ली पकड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे ट्रिप कैसा होने वाला है। ऋषिकेश से जब निकलोगे आप हरिद्वार जाने के लिए, मतलब मनसा देवी जाने के लिए, तो ये डैम है, डैम के साइड से ही जाना होता है। ₹50 ये टोल लेते हैं इस पे जाने का, लाइक 20 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ये डैम है। अभी जो 20 किलोमीटर और जाएंगे तो हम मनसा देवी पहुँचे। अभी इतना क्लीन है भाई, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्लीन है यहाँ का इसका वाटर, तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब प्रॉपर लाइक ये आपको कुछ प्लास्टिक नहीं दिखेगा। तो सामने वाला क्या होता है ना कि जब आप देखते हो कि कहीं बहुत साफ है तो आप भी सोचते हो कि उस चीज को साफ रखना। यहाँ फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद आप देख सकते हो जंगल सफारी के लिए यहाँ लाइक देखो जिप्सी वगैरह लगी हुई है, पार्क बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, करने के लिए अगर आपके पास टाइम है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल ऑफिस ज्वाइन करना है तो बहुत दिक्कत है, इसलिए वापस हम एक दिन में ही जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप डैम हमारे लेफ्ट में है, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। जगह जगह पे पॉइंट्स बने हुए घूमने के लिए, ठीक है, कि आप फोटो शूट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप कहीं भी जाते हो तो जगह जगह आप कहीं फोटो शूट कर लो, कहीं थोड़ा सा एक छोटा सा रिसोर्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, घूमने के लिए यहाँ पे अगर आप लाइक वन वीक प्रॉपर स्पेंड करना चाहते हो ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में, तो आप ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जंगल सफारी भी कर सकते हो, तो आप समझ लो कि जंगल सफारी करोगे एक दिन तो आपका जाएगा ही जाएगा। ये देखो ये लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो प्रॉपरली एकदम बस पे आप देख सकते हो। ये देखो ये जिप्सी है जिसपे ये जंगल सफारी करवाते हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब प्रॉपरली एक कस्टमाइज डैम है, तो मतलब एक टूरिस्ट प्लेस भी हो गया। यहाँ देखो लोग खड़े होकर फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, एंड उसके बाद हमारे लिए रोड भी अच्छा। चीला, यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसोर्ट पैलेस है चीला। गाय माता
चीला भी एक टूरिस्ट रिसोर्ट है, लाइक मतलब प्लेस है, यहाँ पे आप चाहो तो लाइक यहाँ से जंगल सफारी वगैरह का मजा ले सकते हो, बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना ये 1 वीक का टाइम लेके आते हैं तो आप इजिली प्रॉपर एक्सप्लोर अगर कोई करना चाहता है तो आप 1 वीक का टाइम लेके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जंगल सफारी के लिए शायद यहाँ से एंट्री भी है। ये देखो लोग यहाँ पे मस्त सफारी कर रहे हैं, जिप्सी पे आप देख सकते हो। राजा जी नेशनल पार्क आ गए हम, ठीक है, यहाँ पे आप जंगल सफारी कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो फॉरेस्ट रेंजर्स को, तो बहुत अच्छा है। मतलब कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो, मैंने बोला मतलब आप देखो ऋषिकेश से ये सिर्फ 20 किलोमीटर ही है। अब अगर ऋषिकेश में हो, होटल आपका ऋषिकेश में है, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारा रिसोर्ट वगैरह है जहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हो प्रॉपर एक मतलब जंगल के अंदर, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको ऋषिकेश में ही रहना है तो आप वहाँ भी रह सकते हो, क्योंकि 20 किलोमीटर इज नॉट बिग थिंग, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको, क्योंकि अगर ये लाइक हिल स्टेशन है तो भी आप 20 किलोमीटर में आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे, एंड फिर वापस घूम के आप शाम को अपने होटल पहुँच जा सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो आप बैक टू बैक को जिप्स देखने को मिल रही है जंगल सफारी के लिए। तो आई डोंट हैव टाइम, बट जिसके पास टाइम है मैं पहले कह रहा हूँ हफ्ते का लेके आओ, एंड उसके बाद ईजिली आप सब कुछ एक्सप्लोर करो। एंड ये भी 100% श्योर है कि आप देखो यहाँ पे जब पानी होगा तो ये रोड डेफिनेटली बंद रहेगा। मनसा देवी किधर जाना होगा? देखो ऐसे गूगल मैप में शो कर रहा था यही रूट, बट मैंने फिर भी एक बार पुलिस से कंफर्म कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कोई रूट बंद होता है, गूगल मैप में अपडेट नहीं होता है, एंड इनसे पूछ लो तो कंफर्मेशन उनको ये अपडेटेड रहते हैं कि हाँ भाई इस रूट पे जाम लगी है या फिर उस रूट पर मत जाओ या जो भी है। इसलिए बेटर है कि खास करके ऐसे एरिया में जहाँ मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए, ताकि आप फिर वापस ना आना पड़े आपको। Beep, beep, beep.
ए चाची जो बाय गेट लगे